कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आज मैं एक प्रेशर पंप दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली प्रेशर पंप जितने भी कोठियाँ बनती है या जिनके घर में नंबर ऑफ बाथरूम्स होते हैं उन्हें पता होता है कि प्रेशर पंप क्या है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपका घर है और उसमें प्रेशर सही से नहीं आ रहा है, चाहे वो टैप्स हो, टूटी हो, बड़े शावर हो, अगर आपने मल्टी फंक्शनल शावर लगा लिया हो, बॉडी जेट्स लगा लिया हो, तो उसमें क्या होता है प्रेशर नहीं आता है। तो बेसिकली उसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, तो हम लोग प्रेशर पंप लगाते हैं उस पे। प्रेशर पंप का काम क्या होता है कि जो आपका ओवरहेड टैंक है, जो टेरिस पे आप वाटर टैंक है आपका रखा हुआ, वो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, जो भी आपने वाटर टैंक लगा रखा है, तो उसका जो पानी का रूट है जो आपका नीचे वॉशरूम में जा रहा है उसी रूट पे हम लोग इसे कट करके लगाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा इनपुट लाइन, यहाँ पे इनपुट लाइन है ये, और ये आउटपुट, ये देख रहे हैं इसमें 5 वे सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारा आउटपुट लाइन है। सेम जैसे आप इधर देख रहे हैं तो सेम एक आउटपुट लाइन है। तो इससे क्या होता है कि ये पानी वाटर टैंक से खींचता है और वाटर टैंक से पानी खींच के आगे फोर्स में इस टैंक में सप्लाई करता है। इस टैंक को हम लोग बोलते हैं प्रेशर टैंक। इसके अंदर टेक्निकल चीजें क्या है, इसके अंदर एक है ब्लैडर सिस्टम, काइंड ऑफ ट्यूब, जब इस ये और ये है प्रेशर स्विच। तो मैं पहले प्रेशर स्विच का आपको फंक्शन बता देता हूँ, तब तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम हमने प्रेशर सेट करना होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, यानी जैसे हम लोग कम से कम 2 रोटी खाएंगे जिससे कि हमारा भूख मिट जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोग 4 रोटी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रेशर स्विच है इसमें हम लोग मिनिमम एक प्रेशर तो आपको चाहिए चाहिए, सर्टन प्रेशर चाहिए कि 1 केजी का, 1.5 केजी का प्रेशर आपको चाहिए। तो एक मिनिमम और एक डिफरेंशियल यानी मैक्सिमम कितना चाहिए हमें, 2.5 केजी, 3 केजी, जो हमारे बॉडी पे चोट ना आए और एक स्मूथ इंजॉय कर सके हम उससे। तो इसमें प्रेशर सेटिंग होता है। ये तो हो गया प्रेशर सेटिंग, हमने कर दिया इसे। अब पानी एंटर हुआ, पानी खींच के ऊपर वाटर टैंक में डाल दिया। टैंक में क्या होता है, ट्यूब होता है, उस ट्यूब को प्रेस करता है पानी ऊपर की ओर। जब वो प्रेस करता है ऊपर की ओर तो ट्यूब में एयर होता है, वो भी री ग्रेविटी क्रिएट करता है, वो एक बार ऊपर जाता है फिर वो प्रेस करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो ये कैम इधर अगर कैमरा दिखा सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिए। ये जो है पीछे के साइड से यहां से पानी आउट होने लगता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आउटपुट है बेसिकली। तो यहां से पानी आउट होने लगता है, फ्रंट दिखा दीजिए, तो इससे पानी जनरेट और प्रेशराइज वाटर जाने लगता है आगे की ओर। तो ये ओवरऑल फंक्शन है प्रेशर पंप का। अब मैं इसमें वन बाय वन पार्ट्स का क्लियर कर दूं। ये प्रेशर टैंक है, मैंने बता दिया इसका प्रेशर बनाने का काम है। ये पंप है, ये नॉर्मल पंप नहीं होता है, इसका फ्लो हेड एंड फ्लो अलग से इसका डिजाइन किया जाता है। हम लोग आईप्योर ब्रांड से हैं और हम लोग करीबन 13-14 मॉडल्स हैं हमारे पास प्रेशर पंप में। अगर किसी किसी कोठी में या किसी घर में या किसी होटल हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बाथरूम्स है, लाइक 20 बाथरूम, 30 बाथरूम, 40 बाथरूम, 50 बाथरूम भी है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेशर पंप डिजाइन करके देते हैं। प्रॉपर इसका ट्विन बूस्टर बना के देते हैं कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक पंप पूरा नहीं कर पाएगा पानी तो इसके साथ एक दूसरा पंप भी लगा के देते हैं, वो पूरा करेगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ड्राइव सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि पानी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा पानी करेगा। अच्छा, हम इसके बारे में बता दिए। दूसरा ये पंप होता है जो जिसके बारे में मैंने बताया कि ये पंप का काम है प्रेशर पानी खींचना और आगे सप्लाई करना। ये हैवी ड्यूटी पंप होता है, दिन भर में 100, 200, 500 बार भी ये ऑन ऑफ होता है, क्योंकि जब भी आप टैप्स खोलेंगे, टूटी खोलेंगे, शार खोलेंगे तो आपको पानी मिलेगा। ये हो गया। ये होता है प्रेशर गेज, ये स्टील में आप देख रहे हैं, ये होता है प्रेशर गेज। नॉर्मल जितनी भी कंपनी है नॉर्मल लोहे का, जीआई का लगा के देता है नॉर्मल शीट में, बट हम लोग स्टील में लगा के देते हैं ताकि इसका जो लास्टिंग है वो ज्यादा रहे। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये है NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका लगाने का बेसिक मकसद ये है, ये जो आप देख रहे हैं पंप, इसमें क्या होता है कि इसमें इंपेलर डिफ्यूजर यहाँ लगा हुआ जो पानी को खींचता है और साफ सप्लाई करता है, इनपुट और आउटपुट जिसको बोलते हैं इंपेलर और डिफ्यूजर। तो ये पानी को खींचता है और आगे सप्लाई करता है। तो NRV यहाँ देने का मकसद ये है हमारा कि जो भी पानी पंप खींच के आगे सप्लाई कर दिया, या तो वो आगे चला जाए, ये इस टैंक में, इस पाइपलाइन में रहे, नीचे की ओर फोर्स ना करे। अगर ये प्रेशर टैंक नीचे की ओर पानी फेंकेगा तो इससे क्या होगा, जो ये इंपेलर डिफ्यूजर उसे बार बार हिट करेगा पानी
और वहां पे एक साउंड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे बार बार इंपेलर डिफ्यूजर एक दूसरे से टकराएगा और एक साउंड क्रिएट होने लगा, यानी पंप में साउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी पूरी बिल्डिंग में साउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए बेसिकली ये डिजाइन करके, हम लोग हमारी कंपनी ने डिजाइन करके दिया है, ताकि एनआरवी लगाने का मकसद ये है कि जो पानी एक बार पास आउट हो जाए ऊपर, वो वापस ना आए। और तीसरा है हमारा ये फाइव वे सिस्टम, जिसको जिसमें कि 5-6 तरह का फिटिंग है, टैंक हो गया, पंप हो गया, ये हो गया, स्विच हो गया, कई तरह, इसको बोलते हैं फाइव वे फिटिंग सिस्टम। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग प्रेशर पंप के सप्लायर हैं, हमारे पास कई तरह के मॉडल्स होते हैं। हम लोग दिल्ली एनसीआर में, लाइक गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और भी मेरठ वगैरह, नियर जितने भी सटे हुए स्टेट है, वहाँ भी हमारा सप्लाई होता है हम लोगों का। और हम लोग एक एक्सपर्टाइज है प्रेशर पंप में, बेसिकली आईप्योर एक ऐसी ब्रांड है जिसमें हम लोग प्रेशर पंप, वाटर शॉपनर, हीट पंप, स्टील टैंक, ऑल आइटम, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो पूरी आइटम हमारे पास आपको मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो यूनिट आपको, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, क्या होता है कभी कभी आपके वाटर टैंक में पानी खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर पंप चलता रहेगा और ये फूक जाएगा, बर्न हो जाएगा। ऐसे कोई कंपनी नहीं है जो ये आइटम लगा के देती हो, हम लोग इस यूनिट सिस्टम के साथ ही लगा के ये देते हैं, ये आपके वाटर टैंक में जाएगा। अब क्या होता है, ये फ्लोट करेगा पानी में, अब आपके वाटर टैंक में पानी फुल है तो ये ऊपर की ओर रहेगा, जैसे जैसे आपका पानी डाउन होते जाएगा टैंक में, अगर खत्म हो जाएगा तो ये देखिए इसमें एक साउंड आता है, अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा हो, तो ये डाउन की ओर जाएगा, और जब ये डाउन की ओर जाएगा तो ये पंप को कमांड दे देगा, पंप नहीं चलेगा। इस सीन में क्या होगा, हमारा पंप बर्न नहीं होगा, ना ही जलेगा, ना ही फूकेगा। इससे क्या होता है कि आपको कई तरह के बेनिफिट्स हो जाते हैं, कि आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे वाटर टैंक में पानी नहीं है, अगर आपका ऑटो लेवलर लगा है तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसमें आपने देखा तो इसमें हम लोग कई तरह के मॉडल्स होते हैं और हम लोग दिल्ली में पूरा सप्लाई करते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, आप नंबर ऑफ वीडियोस करीबन 300 वीडियोस हम मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग सारा हीट पंप के बारे में, वाटर शॉपनर के बारे में, स्टील टैंक के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई नीड है तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसमें हम आपको पूरी गाइडेंस, और हमारे पास कंप्लीट टीम है, अगर आपको कोई लगाने का है तो आप मेरे फोन करिए, हमारा टीम जाएगा, अपने चेक करेगा कौन सा मॉडल लगाएं, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड है वो नॉर्मल एक दो पीस, एक दो मॉडल्स लेके आए हुए हैं, वो नॉर्मल वही आपको मॉडल मिलेगा, कोई एज पर आपके नीड के हिसाब से नहीं मिलेगा, कि आपके कितने बाथरूम है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, बट हम लोग वो डिजाइन करके देते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप नंबर ऑफ वीडियोज आपको मिल जाएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।